मैं आशीष महेश्वरी, फिल्म निर्माता, आप सबको प्रणाम करता हूँ। अपने बारे में बहुत संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी दो फिल्में, एक भोजपुरी रक्तभूमि, रवि किशन, मोनालिसा, समावना सेठ आदि कलाकारों के साथ रिलीज़ हो चुकी है, और एक मैंने हिंदी फिल्म बनाई थी दोस्ती जिंदाबाद, जिसमें देव शर्मा, अब्बास खान, साबिया, शक्ति कपूर, किरण कुमार जैसे एक्टर्स थे, और जिसको डायरेक्ट किया था पार्थो घोष जी ने। तो यही मेरा परिचय है और यही बात है। आशीष जी, बहुत उसे जानकारी दी है। ये फिल्में दोनों कब रिलीज हुई थी? रक्तभूमि रिलीज हुई थी मेरी 2015 में, और जो भोजपुरी फिल्म थी, और हिंदी फिल्म दोस्ती जिंदाबाद, ये 2019 में रिलीज हुई थी लॉकडाउन के पहले। लॉकडाउन के पहले, और लॉकडाउन खत्म हो चुका है, 2022 चल रहा है अभी, पांचवा महीना खत्म हो गया जी। इतना गैपिंग में कुछ क्यों नहीं कर रहे आजकल? नहीं नहीं, ये प्रश्न आपका उचित है। देखिए, 1.5 साल तो लॉकडाउन में सब लोग परेशान रहे, किसी को पता नहीं था कि आगे होना क्या है। प्लानिंग थी, लेकिन प्लानिंग को हमको आगे बढ़ाना पड़ा, और अभी पिछले 6 महीने से कुछ स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, तो जैसे ही फाइनल स्टेज आएगी तो आपको जरूर बताऊंगा मैं। क्या कुछ प्लानिंग है, जरा कुछ डिटेल बता सकते हैं सर, उस अगर चल रहा हो तो? देखिए, मेरी एक हिंदी फिल्म की प्लानिंग चल रही है, और भोजपुरी सब्जेक्ट पर भी चर्चा चल रही है, तो इसलिए चूँकि अभी कुछ भी फाइनल स्टेज पर नहीं है, इसलिए अभी बताना उचित नहीं है, लेकिन आई होप कि इस महीने के एंड तक सब कुछ मैं रिवील करूंगा। शूटिंग के दरमियान में कुछ ऐसी बातें जो दर्शकों को या आप आम आदमी को नहीं पता, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, फिल्म मेकिंग 2-2.25 घंटे में दर्शक फैसला कर देते हैं कि फिल्म कैसी थी, उनको अच्छी लगी, बुरी लगी, बकवास थी या सुपर हिट थी, लेकिन उसको बनाने में करीब करीब 125 लोगों की मेहनत लगती है। एक नॉर्मल फिल्म की बात कर रहा हूँ, और सेट के अपने कई प्रॉब्लम्स होती हैं। शूट में मज़ा भी आता है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। वो वही समझ सकता है जो फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है या जो उस यूनिट में है। आपने दो फिल्में निर्माण किया है, बाकी भी प्लान चल रहा है फिल्में बनाने का, हिंदी भोजपुरी बता रहे हैं जी। काफी नुकसान हो रहा है बॉलीवुड को देखा जाए तो, क्या कुछ खास वजह हो सकता है? देखो संजय जी, नुकसान की बात जहां तक है, सब चीज़ों का दौर आता है, ये आप मानिए। 90s में कुमार शानू, अलका याग्निक एक दौर था, कितना मधुर संगीत था। आज जनरेशन बदल गई, सिंगर्स बदल गए, इसी तरह फिल्मों का एक दौर था कि उस टाइम आप ध्यान करिए तो सारी हिट फिल्में आ रही थी, हर फिल्म अच्छी लगती थी हमको। आज की जनरेशन बहुत चूजी है, उसको मुझे ऐसा लगता है कि स्टार से ज़्यादा उसको सब्जेक्ट, उसको कहानी पे उसका ज़्यादा फोकस है। और आप महसूस करो कि इधर में साउथ की जो फिल्में आई हैं उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो ऐसा नहीं कि बॉलीवुड किसी से कमज़ोर है, क्योंकि साउथ भी एक रीजनल इंडस्ट्री है, लेकिन उन्होंने अपने को ग्रो किया, उन्होंने अपने को हॉलीवुड तरीके से बनाया कि उनके स्टंट्स, उनकी फिल्म मेकिंग बहुत हाई लेवल पे चली गई है। तो बॉलीवुड में भी ऐसा नहीं है, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं जो अच्छी मेकिंग कर रहे हैं, एंड आई होप कि अब ये गोल्डन एरा है सिनेमा का, आने वाले टाइम में हम लोग अच्छा सिनेमा देखेंगे। भोजपुरी की हम बात कर रहे थे, किस हीरो का बारे में सोचते हैं जिसको फिल्म में बनाना चाहते हैं? संजय जी, अगर मैं किसी का नाम लूंगा तो बाकी के लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, तो इसलिए जो है अभी मुझसे नाम मत करवाइए, मैं जून लास्ट तक आपको सब बताऊंगा। आप मुल्तान कहाँ के रहने वाले हैं और फिल्म बनाने का प्लान कैसे आपका है? देखिए, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, और बेसिकली मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, फिल्म मेरा एक पैशन है, मेरा शौक है, और आप जैसे लोगों के साथ दोस्ती करना मुझे अच्छा लगता है, तो बस यही समझ लीजिए, यही फिल्म मेकिंग है मेरे लिए। पहले कौन सा इंसान था जो आपको प्रेरणा दिया कि फिल्म बनाए? सनोज मिश्रा। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको भी फिल्मों में आना चाहिए, अभिनय करना चाहिए? शायद आप मुझे देखेंगे जल्दी। मुझे लग रहा है कि आप
जो पहले मिले थे और अभी मिले थे उससे ज्यादा अभी स्मार्ट लग रहे हैं, इसका राज क्या है? इसका राज ये है कि चौबे जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। सिनेमा देखा जाए तो ज्यादातर पहले गाने को लेकर ज्यादा चलते थे, आजकल सिनेमा से गाना आउट हो चुका है, इसका मुख्य वजह क्या हो सकता है? सर मुझे जो लगता है कि इस दुनिया में हर आदमी सिंगर है, चाहे वो बाथरूम में गाना गाए, चाहे बाल को ब्रश करते हुए गाए, और चाहे गाड़ी में जाता हुआ गाए। तो फिल्म से म्यूजिक तो कभी हट ही नहीं सकता, म्यूजिक तो फिल्म का चोली दमन का साथ है, लेकिन आज का म्यूजिक ऐसा है कि हम 15 दिन 20 दिन एक महीने में भूल जाते हैं। मैंने कहा ना 90s का म्यूजिक आज भी हम लोग सब सुनते हैं, या उसके ऊपर का म्यूजिक किशोर जी का, रफी साहब का हम लोग सुनते हैं। तो मैं जो फिल्म बनाऊंगा वो 100% मेलोडियस होगी, और उसमें म्यूजिक एक बहुत बड़ा पिलर होगा म्यूजिक मेरा। म्यूजिक के नाम पे एक बात आई कि आप ऐसा म्यूजिक आप देंगे फिल्म में जैसे कि पूरी फैमिली और परिवार के साथ देख सके? सर मैं फिल्म म्यूजिक तो छोड़ दीजिए सर, मैं फिल्म ऐसी बनाऊंगा कि जो मैं मेरी बेटी है 16 साल की 15 साल की मैं उसके साथ बैठ के पिक्चर देख सकूँ, मैं फिल्म ऐसी बनाऊंगा सर। और ये नहीं कि ऐसी बन जाएगी कि लोग बोर होंगे, पूरी कॉमर्शियल फिल्म होगी लेकिन उसके अंदर फुहरता नहीं होगी, बस बाकी सब कुछ होगा। आशीष जी अच्छा इतना फिल्म दो फिल्म बनाने के बाद कुछ ऐसा आपको सम्मान भी अवार्ड कुछ मिला है जिसके बारे में बताना चाहेंगे? जी संजय जी मुझे पहला अवार्ड मिला था मिड डे आइकॉन अवार्ड, शोबिज आइकॉन अवार्ड 2019 में। उसके बाद इस साल मुझे बीफा में अवार्ड दिया गया, उसके बाद मुझे ग्रीन अवार्ड मिला, और अभी एक हफ्ते पहले मुझे एक अवार्ड और मिला, आपकी आवाज़ फाउंडेशन ने मुझे अवार्ड दिया। तो मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे शायद इस लायक समझा कि खुशी होती है कोई काम करने बाद सम्मान मिला। सर तारीफ तो सबको अच्छी लगती है, और अगर कोई मेरी तारीफ करेगा तो बट नेचुरल है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहा। थैंक यू सो मच। अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि फिल्म लाइन को मजाक में कोई ना ले, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। जैसे आप शोरूम चलाते हो या फैक्ट्री चलाते हो, उसी तरह ये भी एक फैक्ट्री है। फर्क इतना है कि ये शो बिजनेस है, आपको बैक कैमरा नहीं पता लगता कि कितनी मेहनत लगती है। तो फिल्म को देखिए, थिएटर तक जाइए, जिससे कि प्रोड्यूसर फिल्म कंटिन्यूटी में बनाना अपना जारी रखे, और जल्दी मैं आप लोगों के साथ वापस आऊँगा और कुछ अच्छी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच।